नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। अगर हम बात करें घंटी आधारित टीचर्स की, तो वो लोग लगातार अपना काम जो है वो देते रहते हैं, मगर उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, अगर उनके वेतन की बात करें और उन्हें पूरा जो मानदेय है वो नहीं मिल पाता है। और उसी का एक एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक अगर हम बात करेंगे यहाँ पर राजभवन के समक्ष लगभग 2 महीने से ऊपर यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया है और ये यहाँ पर अपने नियुक्ति के लिए खड़े थे। हम बात कर रहे हैं राजेश जी की, जो कि यहाँ पर मौजूद है, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ रहेगा, क्यों अगर हम लोग बात करें घंटी आधारित टीचर्स की, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारे समस्याओं से को फेस करना पड़ता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है मैडम। मैंने भी उस चीज़ को झेला है, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही आपको आपकी जो राशि, जो बकाया राशि थी, वो मानवता के आधार पर आपको दी गई थी। हाँ, मैं जब धरना पर बैठा, वैसे तो नहीं मिल रहा था, मैंने यूनिवर्सिटी में भी 3 बार अनशन किया, भूख हड़ताल किया, लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाया। मेरे साथ वहाँ वे लोग सही ढंग से पेश भी नहीं आए, और वहाँ से जब कुछ नहीं हो पाया तब मैं राजभवन की ओर रुख किया। मैं राजभवन आया, 2 मई को मैं एक लेटर दिया राजभवन में, और 3 मई से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। 77 दिन हो गया, कल मेरा 77 दिन हुआ, तब मुझे न्याय मिल पाया। जिस चीज़ के लिए मैं बैठा था वह चीज़ मिल पाया। इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा सहयोग किया, मीडिया बंधुओं ने बहुत सहयोग किया, ताना भक्तों ने मुझे बहुत सहयोग किया, उन लोगों ने मुझे हर संभव मदद किया जितना हो सके उन लोगों द्वारा, और इसके अलावे और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद किया, जिसके वजह से मुझे सफलता मिल पाया। मैं 77 दिनों तक यहाँ अपने आंदोलन को जारी रख सका, मैं धरना पर बैठे रह सका। अगर हम बात करें किस कॉलेज में आप पढ़ाते थे, आप वो लेटर हमें दिखा सकते हैं जिस लेटर में आपको वापस बुलाया गया है, कि आपको कोई लेटर दिया गया है उस कॉलेज से? उस कॉलेज से नहीं दिया गया है, मुझे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से दिया गया है, झारखंड सरकार की ओर से दिया गया है लेटर, कि फिर से आप उन्हें वहीं जाके पढ़ाइए, यह लेटर ये है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लेटर जो है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से ये लेटर जो है वो दिया गया है, कि आप जहाँ पर देवघर जिला में आप जो पढ़ा रहे थे, जिस कॉलेज में, आप पुनः वहाँ जा कर के पढ़ा सकते हैं। तो एक प्रयास जो है वो इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे करके किया। क्या कुछ आप कौन से कॉलेज में पढ़ाते थे? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में एमए के स्टूडेंट को अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा था मैं। कैसा लग रहा है आज, जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष आज पूरा हुआ? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ बहुत संघर्षों के बाद मिलता है उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। मैंने बहुत संघर्ष किया, और उस संघर्ष का आप लोग साक्षी रहे हैं, आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से मैं संघर्ष किया हूँ। आप लोग हमेशा यहाँ आते थे और मेरा तकलीफ़ों को आप लोग देखते थे, तो इसके लिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, आप लोग तो देख ही रहे हैं इस कितना संघर्ष मैंने किया है। अगर हम बात करें सिर्फ इनकी ही नहीं, कई सारे और भी घंटी आधारित जो शिक्षक हैं वो लोग हैं जिनको वेतन नहीं मिल पाता है, ये और कितने राजेश होंगे जिन्हें अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला होगा, वो अभी भी संघर्ष कर रहे होंगे, उनकी जो परमानेंट नियुक्ति जो है वो उसके लिए संघर्ष कर रहे होंगे, ना जाने और कितने राजेश यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि ये तो विकलांग थे, इन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया, इतने समय तक लोगों से मुलाकात की, कई सारे लोगों से इन्होंने मुलाकात की, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मगर अगर हम आज की बात करेंगे तो एक बार फिर से जो जिसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था, आज उन्हें वो मिलने वाला है। आगे देखना होगा कि जो अन्य घंटी आधारित शिक्षक हैं उनको किस तरीके से न्याय मिलता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।